नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ ईंट भट्ठे पे। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि पकी हुई ईंट की निकासी किस प्रकार होती है और कौन कौन से प्रकार की ईंट पकने के बाद तैयार होते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप मेरे पीछे देखें, मजदूर जो है ईंट की निकासी कर रहे हैं। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, ईंट भट्ठा है और ये सामने चिमनी लगी हुई है। देखिए कितनी ऊंची चिमनी है, ऊपर धुआं निकल रहा है पूरा। आप देखें जो है, और इधर कच्ची ईंट पकने के लिए लगी हुई है चैम्बर में। इधर आप देखें जो किस प्रकार पके ईंट निकाले जाते हैं, मजदूर लगे हुए हैं निकालने के लिए। बहुत ही मेहनत का कार्य है। आप देखें किस प्रकार जो है पकी ईंट निकाली जा रही है। और ये ठेलिया से निकाल निकाल के, हाथ वाली ठेलिया है, इससे जो है सामने चट्टा लगाया जाता है बाहर। आप देखें कुछ इस प्रकार जो है निकासी हो रही है ईंटों की। बहुत ही सावधानी से निकालना पड़ता है ईंटा जो है, वरना चोट भी लग सकती है पैर वैर में। उसमें राबिश ज़्यादा होती है जो ईंट पकती है। आप देखें सबको धूल लगी हुई है राबिश की। ये आप देखें वहाँ चट्टा लगा के आ गए जो है ठेलिया लेके। बहुत ही मेहनत का कार्य है ये निकासी का। ये चिमनी आप देखें कितनी अच्छी चिमनी है बड़ी। इसमें टूटे ईंटे अलग रख रहे हैं आधा, और समूचे ईंट अलग जो है, बाहर चट्टा लग रहा है इसका जो है। ये भट्टे के मजदूर हैं जो ईंट निकासी का कार्य कर रहे हैं पकी ईंट का। तो ईंट पकती तो इसमें तीन चार क्वालिटी की ईंट निकलती है, उवल, मीठा उवल, पीला और खंजड़। जो काले हो जाते हैं वो खंजड़ होते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ खंजड़ ईंट। ये आप देखें जो काले ईंट हो गए ये खंजड़ हैं, काले ईंट। और ये पीले हैं इनके, पीले ईंट। और ये अद्धा जो निकला है, ये देखिए गुड़िया ईंटा का चट्टा लग रहा है।